नमस्कार, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सावन का महीना चल रहा है, व्रत का सीजन है, तो क्यों ना व्रत स्पेशल बनाया जाए। तो मैं बना रही हूँ आज साबुदाना और आलू की खिचड़ी। मैंने एक कटोरी साबुदाने को अच्छी तरह से धोके और एक कटोरी पानी डाल के इसको ओवरनाइट भीगने रख दिया था। साथ में लिया मैंने उबले हुए आलू और इसको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। और लिया मैंने तड़के के लिए जीरा एक चम्मच और 5 से 6 हरी मिर्च, इसको मैंने हाफ कट कर लिया है। और एक कटोरी मैंने लिया है ये मूंगफली के दाने, आधे कटोरी सफ़ेद तिल और ये सेंधा नमक और धनिया की पत्ती, एक मीडियम कटा हुआ टमाटर, देसी घी। तो ये सभी सामान मैंने तैयार कर लिए है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे देसी घी और जब देसी घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे और चटकने तक। जब जीरा चटक जाए तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च और इसको 2-3 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद डालेंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी हम अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक और सेंधा नमक हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो इसको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर इसको हम ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। तब तक हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम सफ़ेद तिल और इसको भी हम चटकने तक भून लेंगे और हल्का जब ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए ये ब्राउन हो गया है, तो इसे निकाल के प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब देखेंगे अपने टमाटर को और टमाटर भी लगता है सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दबाते हुए, जो हमारे टमाटर खड़े हैं उसे थोड़ा सा हम दबा लेंगे। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू और आलू डालने के बाद इसको हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सब्जी व्रत में खाने में बहुत अच्छी लगती है और आप भी इस तरह से बनाइएगा। और अब डाल देंगे इसमें हम साबुदाना और साबुदाना भी देखिए फूल के डबल हो गए हैं। तो इसको भी हम मिला लेंगे आलू के साथ और फिर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम दोबारा से एक बार ढक्कन लगा लेंगे और लो फ्लेम में हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर से हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम मूंगफली और इसको भी हम भून लेंगे जब तक ये चटकने ना लगे। जब ये चटक जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फिर इसके हम छिलके उतार लेंगे। तो देखिए ये भुन गए हैं और फिर अब देखते हैं अपनी खिचड़ी को। तो देखिए खिचड़ी भी हमारी बहुत अच्छी लग रही है और साबुदाना भी अच्छी तरह से पक गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया, ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। अब डाल देंगे इसमें भुने हुए तिल और तिल डालने से हमारी खिचड़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है और इससे एनर्जी भी काफ़ी मिलती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने के बाद हम अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें हरी धनिया की पत्ती और इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और साबुदाने का कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें डाल देते हैं हम मूंगफली के दाने, इसके हमने छिलके उतार लिए थे। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इस तरह से आप भी बनाइएगा और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनी ये रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर मेरी बनी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।